फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UPTLET सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट। आपका फर्स्ट पेपर होता है जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो 3 दिन यानी मंडे, ट्यूजडे और वेडनेसडे को 3 दिन 11 बजे सुबह इसकी क्लास चलती है फर्स्ट पेपर का, सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है। जिसमें हमारा ये पार्ट टू है यानी आपका लेसन वन का पार्ट टू है, ठीक है। और कल हमने एक प्रीवियस वीडियो यानी पहला पार्ट कल से शुरुआत किया है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला तो आपका जो प्रश्न है, कल हमने डिस्कस किया था कि शिक्षा का अर्थ क्या है, ठीक है। शिक्षा का प्राचीन समय में क्या अर्थ था, ये हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। बट आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है और शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक तो शिक्षा का संकुचित अर्थ और दूसरा शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो आपका जो अति लघु या फिर विकल्पीय प्रश्न है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कमेंट ये आता है कि आप बुक से पढ़ाइए, तो फ्रेंड्स हमने पहले ही बुक से जितने भी आपके सेकंड सेमेस्टर के थे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या फिर कमेंट्स बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। हमने पहले बुक से ही पढ़ाया था, फिर अब हम सीरीज से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो सीरीज से भी बेस्ट है, आप इससे तैयारी करो या उससे तैयारी करो, दोनों तरीके से ही आपकी जो तैयारी वो बेस्ट तरीके से हो सकेगी। तो ये दो प्रश्न डिस्कस करेंगे, शिक्षा का संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा का संकुचित अर्थ के अनुसार से जो आशय है, इसका मतलब जो होता है, इसकी जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय या कॉलेज में ही दी जाती है। क्या मतलब हो जाता है संकुचित अर्थ का, यानी इसका जो अगर हम सिंपल एक संकुचित अर्थ शिक्षा का हो जाएगा, यानी एक निश्चित स्थान, यानी आपको जो शिक्षा दी जाएगी वो स्कूल या कॉलेज में ही दी जाएगी, क्योंकि वो क्या है निश्चित यानी संकुचित, ठीक है। तो इसका अर्थ सिंपल यही होता है कि शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय या कॉलेज में दी जाती है। इसमें शिक्षा की एक निश्चित योजना होती है, यानी हम पहले से ही क्या करते हैं नियोजन यानी प्लान बनाते हैं, एक निश्चित योजना होती है या एक निश्चित समय तक दी जाती है। जैसे कि आप सभी का जो संकुचित यानी अगर हम बात करें आपका क्लास वन क्लास टू, जैसे कि आप विद्यालय स्कूल में जाते हो तो एक टाइमिंग होता है और आपको ये होता है कि किस समय से किस सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, तो क्या होता है पहले से ही प्लान बनाया गया है, ठीक है, और उसी के अनुसार आप सभी को शिक्षा दी जाती है। तो यही हो जाता है संकुचित अर्थ। इसका मतलब यही है कि यह एक निश्चित समय तक दी जाती है, इसमें बालक को निश्चित विधियों से ज्ञान प्रदान किया जाता है और शिक्षा के संकुचित अर्थों में शिक्षा कुछ विषयों तक ही सीमित रहती है, ठीक है। यानी जो विषय आपके सिलेबस में है वही पढ़ाया जाता है, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है संकुचित अर्थ शिक्षा का। बालक को केवल उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिससे उसके लिए उपयोगी समझा जाता है। शिक्षा प्रदान करने का मुख्य स्थान विद्यालय होता है, क्योंकि एक निश्चित स्थान होता है और विद्यालय में शिक्षक के द्वारा ही शिक्षा प्रदान की जाती है और शिक्षा पर ही बालक को ज्ञान प्रदान करने का दायित्व होता है। यानी शिक्षा का संकुचित अर्थ हम विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय शिक्षा से लगाते हैं, जहाँ बालक को एक निश्चित चार दीवारी यानी चार दीवारी के अंदर निश्चित व्यक्तियों द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम द्वारा एक निश्चित विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है और विश्वविद्यालय या विद्यालय द्वारा भेजे गए उद्देश्यों को जब वो प्राप्त कर लेता है, जब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तब यह स्वीकार किया जाता है कि उसने शिक्षा प्राप्त कर ली। लेकिन यह ध्यान से विचार किया जाए कि विद्यालय से प्राप्त शिक्षा तब तक पूर्ण नहीं है जब तक उसे प्रयोग करने का ढंग
क्षमता छात्र में नहीं आ जाती है, यानी उसको सही ढंग से जब तक वो सीख ना ले जो उसका लक्ष्य है कि वो क्या प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि आप सभी को अगर हम सिंपल बताएं कि जो आपका संकुचित शिक्षा का संकुचित अर्थ यही होता है, पहला पॉइंट ये कि जो शिक्षा होता है इसका जो अर्थ होता है एक निश्चित स्थान यानी विद्यालय और कॉलेज में ही शिक्षा दिया जाता है और इसके लिए एक निश्चित समय होता है, ठीक है, और इसमें जो पाठ्यक्रम होते हैं वो भी सीमित होते हैं, जो जो उनके लिए आवश्यक होता है, जो उनके लिए बेनिफिट होता है वही शिक्षा उनको दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो तब तक वो शिक्षा ग्रहण करते हैं जब तक वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर लेते, ठीक है, बस यही इसका अर्थ हो जाता है संकुचित अर्थ। अब देखिए, अतः विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा का एक अंग मात्र है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ विद्यालय, विद्यार्थी और शिक्षक और उद्देश्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप ये चार पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हो, शिक्षा का संकुचित अर्थ, और इस चार्ट के थ्रू आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। जो विद्यार्थी होता है, सबसे पहले तो जो शिक्षा दी जाती है संकुचित, वो किसी निश्चित स्थान यानी विद्यालय कॉलेजों में दी जाती है, ठीक है, और उसके बाद जो पाठ्यक्रम होता है वो भी सीमित होता है, जो शिक्षक होता है उसे सीमित पाठ्यक्रम ही पढ़ाता है, सिखाता है, और जो विद्यार्थी है जब तक उद्देश्य की उसकी पूर्ति नहीं हो जाती तब तक वो विद्यालय में शिक्षा को सीखता रहता है और ग्रहण करता रहता है। तो सिंपल ये आप सभी को बहुत ही आसानी से याद भी हो गया होगा, शिक्षा का संकुचित रूप ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हम मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी से रिलेट करके आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर अगर आप सुपर टेट या टेट का एग्जाम देते हो तो उसमें ज़्यादा स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस पे अपना टी रेमोंट ने क्या अपना स्टेटमेंट दिया है, एक बार हम ये देख लेते हैं। आपसे भी बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि शिक्षा का संकुचित रूप क्या होता है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट देखिए, जैसा पहला पॉइंट होता है कि जो शिक्षा का संकुचित रूप होता है किसी एक निश्चित स्थान यानी विद्यालय या कॉलेज में दिया जाता है। दूसरा पॉइंट ये कि इसको एक प्लान बनाकर पढ़ाया जाता है। तीसरा पॉइंट ये कि जो पाठ्यक्रम होता है वो सीमित होता है। और चौथा पॉइंट ये जो शिक्षक होता है वो जब तक सिखाता है जब तक विद्यार्थी अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेता है, और विद्यार्थी तब तक सीखता रहता है जब तक उसका लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। बस इतना ही पॉइंट्स आप सभी को याद रखना है। अब हम चलिए मनोवैज्ञानिक के अनुसार देख लेते हैं कि संकुचित यानी शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा और कानून में किया जाता है। इस अर्थ में शिक्षा व्यक्ति के आत्मविकास और वातावरण के सामान्य प्रभावों को अपने में कोई स्थान नहीं देती है, ठीक है, यानी जो भी का आत्मविकास या वातावरण होता है उसमें जो आपका संकुचित शिक्षा का संकुचित, इसमें उसका कोई स्थान नहीं होता है। इसके विपरीत यह केवल उन विशेष प्रभावों को अपने स्थान में देती है जो समाज के अधिक आयु के व्यक्ति जानबूझकर और नियोजित रूप, यानी सिंपल अगर हम कहें तो इनका कहना है कि यहाँ पे क्योंकि एक निश्चित आपको विद्यालय में आपका वातावरण, यानी हम यही नहीं कह सकते हैं कि आप घर पर पढ़ोगे, तो क्या घर पर क्या होता है, अपना वातावरण होता है, अपना अपने अनुसार हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो आपका रेमंड के अनुसार यही कहना चाहते हैं कि जो हम कह सकते हैं कि जो इसमें शिक्षा दी जाती है एक निश्चित, और जो बड़े यानी जो अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं वो जानबूझकर क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, नियोजन करते हैं और अपने छोटों पर डालते हैं, यानी थोपते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हो, इनके अनुसार ये कहना है। और भले ही यह प्रभाव परिवार, धर्म या राज्य द्वारा ही डाला जाए, क्योंकि जो बड़े होते हैं वही उनको विद्यालय में भेजते हैं, उनको शिक्षा जब तक उनकी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक वो उनकी जो शिक्षा है वो पूर्ण नहीं होती है। तो ये हो जाता है टी रेमोंट के अनुसार। तो स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अगला जो है वो है प्रोफेसर ड्रीवर के अनुसार, इन्होंने क्या दिया है। तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में डालती है। तो ये इन्होंने संकुचित अर्थ दिया है कि शिक्षा क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें जो बालक यानी जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार की एक विशेष ढांचे में ढालती है। अब अगर बात करें तो आपने शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंतर्गत प्रमुख तीन तथ्यों को सम्मिलित किया, यानी कौन कौन सा। पहला तो ये कि शिक्षा द्वारा बालक के ज्ञान में वृद्धि करना,
शिक्षा द्वारा बालक के चरित्र का विकास करना और शिक्षा द्वारा बालक के व्यवहार में वांछित सुधार करना। क्योंकि हमने जब कल शिक्षा भी डिस्कस किया था तो ये हमने पॉइंट डिस्कस भी किया था, शिक्षा के द्वारा ही हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा ही हम अपने चरित्र बहुत ही अच्छे से निर्माण कर सकते हैं और शिक्षा के द्वारा ही बालक अपने व्यवहार को परिवर्तन करके वांछित सुधार कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे यानी शिक्षा संकुचित अर्थ में शिक्षा के कितने तथ्य हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो तीन है। पहला, शिक्षा द्वारा बालक के ज्ञान में वृद्धि करना, शिक्षा द्वारा बालक के चरित्र का विकास करना और शिक्षा द्वारा बालक के व्यवहार में वांछित सुधार करना। अब देखिए अगले जो आपके मनोवैज्ञानिक है वो है जी एस थॉम्सन। इन्होंने क्या दिया है संकुचित अर्थ, तो इन्होंने जो अपना डिफिनेशन दिया है कि शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया, इन्होंने बोला है जो कि शिक्षा क्या है, एक विशेष प्रकार का वातावरण है। ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर शिक्षा का प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो आपका स्टेटमेंट है वो है जे एस मैकेंजी के अनुसार, यानी संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ इस प्रकार बताया है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा से ऐसे हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास से लिया जाता है। जैसे कि अभी हमने रेमंड का देखा तो सेम इनका भी यही स्टेटमेंट है जो कि मिलता जुलता है। ठीक है, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो एक प्लान बनाते हैं, निश्चित पाठ्यक्रम बनाते हैं, उसी के अनुसार जो बच्चा का जो बालक होता है उसके ज्ञान को अर्जित करवाते हैं। ठीक है, तो यह क्या होता है जानबूझकर यानी प्लान के थ्रू सब कुछ ये किया जाता है। ठीक है, यानी उपयुक्त व्याख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा का अर्थ विशेष प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन, यानी पहले से ही एक सीमित क्या महत्वपूर्ण उनके लिए है। ठीक है, और बालक पुस्तकों का कीड़ा बनकर रह जाता है, उसे किसी भी प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि हमने रेमंड का देखा था तो उन्होंने यही बोला था ना कि जो बड़े होते हैं वो जानबूझकर ये नियोजन करते हैं, प्लान बनाते हैं और छोटों पर थोपते हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा जो छोटे बालक होते हैं, ठीक है, जो छोटे बालक होते हैं तो उन्हें बहुत ही जबरदस्ती स्कूल और कॉलेज में भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि जब हम वहाँ जाएंगे तो उनके अनुसार नहीं, क्योंकि क्या है, सबसे पहला तो एक निश्चित स्थान, ठीक है, दूसरा कि ये जो कुछ भी पढ़ाना है ये प्लान के थ्रू, कुछ भी बाहर इधर उधर का कुछ नहीं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो केवल और केवल डर के थ्रू वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि बालक पुस्तकों का कीड़ा बनकर रह जाते हैं और उसे किसी प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। पुस्तकें उसके चरित्र तथा मस्ती का विकास नहीं कर पाती है। इसी आधार पर शिक्षा को शिक्षा न कहकर शिक्षण या निर्देश कहा जा सकता है। ठीक है, और टी रेमंड का कथन है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा एवं कानून में किया जाता है। तो अभी मैंने बोला कि क्या है, एक कानून है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ शिक्षा का संकुचित अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये तो संकुचित अर्थ हुआ, अब हम बात करते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ, ये क्या है, तो इसके बारे में भी हम पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं किसका मतलब क्या होता है। तो संकुचित दूसरा होता है आपका व्यापक, यानी शिक्षा के व्यापक के अर्थ के अनुसार जो शिक्षा है वो क्या है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें क्या था, एक निश्चित स्थान और एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार ही जितने भी बालक होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है। लेकिन जो आपका शिक्षा का व्यापक अर्थ है इसमें जो बोला जाता है ये आपका जीवन, आजीवन मतलब क्या होता है, जीवन भर चलने वाले क्या है, प्रक्रिया है। यह शिक्षण की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है। ठीक है, तभी से वो सब कुछ सीखने लगता है और उस समय उसके इर्द गिर्द सभी व्यक्ति घूमते हैं, लेकिन वो सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है और इसके उपरांत अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति हेतु परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोस तथा समाज के संपर्क में आता है। और बाल्यावस्था से ही बालक को प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजित होने का प्रयास करना पड़ता है और आयु बढ़ने के बाद वह सामाजिक, राजनैतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। यानी क्या, ये जब जन्म होता है, अगर हम सिंपल कहें, जब एक शिशु का जन्म होता है तभी से उसका जो ये शिक्षा की यानी जो व्यापक अर्थ का जो शिक्षा का व्यापक, ये तभी से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, और सबसे पहले अपने माँ यानी वो अपने माँ के इर्द गिर्द जो भी उसकी आवश्यकताएं होती है अपने माँ के थ्रू ही पूरा करता है। ठीक है, उसके बाद जितने भी उसके समाज के लोग, उनके घर के लोग,
फिर उनके संपर्क में आता है और बाल्यावस्था से ही बालक को प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजित होने का प्रयास करना पड़ता है और आयु के बढ़ने के बाद वह सामाजिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के साथ वो क्या कर लेता है, सामंजस्य स्थापित करता है। अब देखिए, इसमें बालक धीरे धीरे परिवार, पड़ोस, स्कूल, समाज आदि संस्थाओं से कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसलिए शिक्षा के विषय में लिखा गया है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। जैसे कि हमने प्राचीन काल में जो शिक्षा का अर्थ था, सेम यही था कि जब जन्म होता है तभी से वो कुछ न कुछ, जो कुछ भी घटित होता है उसी के अनुसार कुछ न कुछ हमें शिक्षा जरूर मिलती है, कुछ न कुछ हम उससे जरूर सीखते हैं। तो यहाँ भी जो व्यापक अर्थ हो जाता है, सिंपल वही आ जाता है कि जो आपका शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और जो ये प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहती है। ठीक है, अब देखिए, शिक्षा के व्यापक अर्थ में अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों ने विचार स्पष्ट किया, जैसे कि उसमें कुछ विचार स्पष्ट किए थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो इसमें भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले लॉज हैं, लॉज ने क्या अपना स्टेटमेंट दिया है, तो इन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि बच्चा अपने माता पिता को और छात्र शिक्षकों को शिक्षित करता है, जो बात हम सोचते हैं या करते हैं हम किसी प्रकार भी दूसरे व्यक्तियों द्वारा कही हुई बात या सोची या की गई बात कम शिक्षित नहीं करती। इसके व्यापक अर्थ में जीवन ही शिक्षा जीवन है, यानी यहाँ सिंपल है, यहाँ पे जो लॉज है इनका स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि जो बच्चा है, ठीक है, अपने माता पिता और छात्र शिक्षकों को क्या करता है, शिक्षित करता है, जो बात हम सोचते हैं या करते हैं हमें किसी प्रकार भी दूसरे व्यक्तियों द्वारा कही गई बात, सोची या की गई बात कम शिक्षित नहीं करती है। यानी जब कुछ हम सोचते हैं या हम कुछ बात करते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ तो शिक्षा मिलती ही है। ठीक है, तो इसके व्यापक अर्थ में जीवन ही क्या है, शिक्षा जीवन है। अब देखिए, दूसरा जो है वो है जे एस मैकेंजी, उसमें भी उन्होंने दिया था। तो जे एस मैकेंजी ने इनमें क्या स्टेटमेंट दिया है, तो इन्होंने बोला है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और प्रायः जीवन के प्रत्येक अनुभव से शिक्षा में वृद्धि होती है। बहुत ही मतलब वही सिंपल, आप आसानी के साथ इसको याद कर सकते हो। उसके बाद जो है प्रोफेसर डम्यूल के अनुसार, यानी शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को लेकर जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करती है। ठीक है, तो सब एक ही जैसे हैं, बस आप पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लीजिए कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलते रहते हैं, ये प्रोफेसर डम्यूल ने दिया है। उसके बाद मार्क हॉपकिंस ने क्या दिया है, तो अपने अति व्यापक अर्थ में शिक्षा में वो सभी बातें आ जाती हैं जो निर्माणकारी प्रभाव डालती है। अब देखिए, प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, प्लेटो वाला, यानी शिक्षा मानव के शरीर व उसकी आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करने की प्रक्रिया है जो पूर्णता वह प्राप्त करने के लिए समर्थ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी जो इन्होंने बोला है कि शिक्षा मानव के शरीर, ठीक है, शिक्षा मानव के शरीर की वह उसकी आत्मा का वह पूर्णता प्रदान करने की प्रक्रिया है जो पूर्णता वह प्राप्त करने के समर्थ है। अतः उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि व्यापक रूप से शिक्षा मानव की समस्त नैसर्गिक शक्तियों का विकास करता है, ठीक है, क्योंकि ये व्यवहारिक भी होता है और मानव के अपने वातावरण के साथ, और जो आपका संकुचित था उसमें अपना कोई वातावरण नहीं होता है, ठीक है, और अपने वातावरण के साथ संपर्क में आने पर संभव होता है और इन शक्तियों के विकास की क्षमता मानव की प्रकृति में निहित है और शिक्षा द्वारा उनके प्रस्फुटित होने का अवसर, यानी खुश होने का अवसर प्राप्त होता है, जिसमें व्यक्ति का बहुमुखी विकास होता है क्योंकि वो समाज में रहता है, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसमें कोई लिमिटेड नहीं है कि हाँ आप इन्हीं से सीख सकते हो, क्योंकि जन्म से लेकर आप जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक इसमें कुछ ना कुछ सीखा ही जाता है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, शिक्षा का व्यापक अर्थ। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो आप देख सकते हो बोल्ड कलर का है, यानी इसमें जो बोला गया है कि शिक्षा मनुष्य के पारस्परिक तथा जगत के साथ संपर्क का परिणाम है। यानी जो शिक्षा है मनुष्य के पारस्परिक, यानी जो भी एक दूसरे से मनुष्य जुड़ते हैं तथा जगत के साथ जो भी संपर्क बनाते हैं उनका ही रिजल्ट है। हम उनके अनुसार कुछ ना कुछ सीखते हैं और कुछ नया उभर के आता है, ठीक है। और शिक्षा के इस अर्थ में शिक्षा का क्रम बालक के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक चलता रहता है। इस प्रकार जो शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और बालक हर समय नवीन अनुभव करता है और जिसके कारण बालक का शिक्षण काल
उसका संपूर्ण जीवन होता है और बालक प्रारंभ में माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है। परिवार से बाहर निकलने के पश्चात वह विद्यालय, खेल के मैदान तथा पड़ोस से नवीन अनुभव प्राप्त करता है और इस प्रकार उसके अनुभव प्राप्त करने का परिणाम यह होता है कि वह अपने वातावरण तथा जीवन में आने वाली जो भी, अगर हम कहें जो भी उसके सामने समस्या आती है या जो भी परिणाम या जो भी परिस्थितियों आती है, तो उससे वो सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प रहता है और उससे वो सामना जरूर करता है और अपने आप को उसमें समायोजित जरूर करता है। इस प्रकार से शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होता है और इस शिक्षा में वे अनुभव भी सम्मिलित किए जाते हैं जिनको बालक भ्रमण, त्यौहार और सामाजिक संगठनों से प्राप्त करता है। तो यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का क्षेत्र जो है क्या है, अत्यंत व्यापक है, अत्यंत विस्तृत है, ठीक है। और शिक्षा उस विकास का नाम है जो जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक चलता रहता है। इस विकास के बिना बालक का जीवन सफल नहीं हो सकता और शिक्षा शब्द का यही व्यापक अर्थ है। तो फ्रेंड देखिए, आपने बहुत ही अच्छे से दोनों में अंतर समझ लिया होगा। पहला ये कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है और दूसरा ये कि शिक्षा का व्यापक, जो शिक्षा का जो संकुचित, आप कह सकते हो कि ये एक सीमित होता है। अगर हम एक शब्द में कहें तो ये एक सीमित होता है। एक निश्चित स्थान पर शिक्षा दी जाती है, एक जो आपका पाठ्यक्रम होता है वो भी निश्चित होता है, ठीक है। और अगर हम व्यापक बोले तो इसमें जो होता है सिंपल एक लाइन याद करना है कि जो ये आपका शिक्षा का व्यापक अर्थ, इसका जो अभिप्राय हो जाता है, ये जो शिक्षा की प्रक्रिया है ये जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। यानी जब तक, जब शिशु जन्म लेता है तभी से वो कुछ न कुछ सीखता रहता है और वह अपने मृत्यु पर्यंत तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। बस यही बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 2 बजे वाली क्लास में। आप से भी अपना अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये पूरा नहीं लिखने की जरूरत है, बस देखिए 50 वर्ड पूरा हो जाता है उतना ही रहने दीजिए, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही। जो आप सभी को PDF है जैसे कि मैंने कल सेंड किया था आप सभी को टेलीग्राम पे, आप वहां से जाकर टेलीग्राम से जुड़कर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकती हो। सिंपल आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और प्ले स्टोर से, और उसके बाद आप उसमें सर्च कर सकते हो अपडेट विद काजल, और सिंपली आप उस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर जितने भी PDF है आप सभी को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 2 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी कमेंट्स है कि इंग्लिश की क्लास, तो फ्रेंड्स जैसे कि हम आप सभी को बता दें कि हम बिल्कुल क्रम तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका अंग्रेजी की क्लास आएगी वो आपका बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार शाम के 5 बजे आएगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।